वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत थम गई है कम से कम 2023 के चुनाव परिणामों तक। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि दोनों ही स्थिति में सचिन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सचिन को आश्वासन दिया गया है कि अगर 2023 में कांग्रेस चुनाव जीत गई तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और अगर कांग्रेस हार गई तो गहलोत सियासी वीआरएस ले लेंगे और सचिन को प्रदेश की कमान सौंप दी जाएगी। शायद इसी वजह से सचिन अब शांत नजर आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, क्योंकि पायलट पिछली बातें भुलाकर माफ करो और आगे बढ़ो वाले रास्ते पर निकल चुके हैं। अपने इंटरव्यू में सचिन ने साफ साफ कहा था कि अब उनका एक ही लक्ष्य है, राजस्थान में कैसे कांग्रेस सरकार को रिपीट कैसे किया जाए। खड़गे से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच जो बात हुई उसके बाद से तो सचिन पायलट बदले से नजर आने लगे। शायद यही वजह है कि अब पायलट खड़गे की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट को दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। अगर पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए सियासी खेल के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। ऐसी भी खबर है कि सचिन को दिल्ली में जिम्मेदारी देने के साथ ही किसी बड़े राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है, यानी सचिन पायलट को कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में सक्रिय करने की तैयारी है। साथ ही सचिन पायलट को टॉप सीट से ही चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी तय है, और आने वाले चुनाव में 40 से 45 सीटें भी सचिन गुट के नेताओं को दी जाएगी।